अभी मैं आपको ये डिज़ाइन बुन करके बताऊंगी जो 10 रो का डिज़ाइन है, और इसे बनाने के लिए आपको फंदे रखने होंगे 11+2 के मल्टीपल में। और ये बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है, इसे आप एक या एक से ज़्यादा कलर में बुन सकते हैं। और इस डिज़ाइन से आप बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक या सिर्फ बॉर्डर में आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो अब हम रो 1 बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 बनाना हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, और जो भी हमारा फर्स्ट कलर होगा उससे हमें सभी फंदे को रो 1 में सीधे साइड से सभी फंदे को सीधे ही बनाना होगा। और इसी तरह से सभी फंदे को सीधे बुनते हुए हम रो 1 को कंप्लीट कर लेंगे। और रो 1 में सभी फंदे सीधे बुन लेने के बाद हम रॉन्ग साइड रो 2 में आ चुके हैं, और अगेन हम रो 2 में सभी फंदे को उल्टे साइड से सीधे ही बुनेंगे। और सभी फंदे को सीधे बुनते हुए हम रो 2 को भी बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। रो 2 में सभी फंदे सीधे बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 3 में आ चुके हैं, और रो 3 में अब हमें सभी फंदे को उल्टे बुनना होगा। हम सेम कलर यूज़ करेंगे, और इसी तरह से सभी फंदे को उल्टे बनाते हुए रो 3 को भी हम बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और रो 3 में सभी फंदे बुन लेने के बाद हम रॉन्ग साइड रो 4 में आ चुके हैं, और रो 4 में अब हम उल्टे साइड से सभी फंदे को सीधे बुनेंगे। और इसी तरह से सभी फंदे को सीधे बुनते हुए रो 4 को बुन करके हम कंप्लीट कर लेंगे। रो 4 बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 5 में आ चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रो है क्योंकि आगे हमें रो 7 और रो 9 में सेम रो 5 को ही रिपीट करना होगा। और रो 5 में हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे, जो भी हमारा सेकंड कलर होगा उस कलर से हमें शुरुआत के पहले फंदे को सीधा बनाना होगा, और उसके बाद हम यहाँ से रिपीट स्टार्ट करेंगे। और 2 फंदे को हमें पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा, उसके बाद हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। 3 फंदे सीधे बुन लेने के बाद ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे, और 1 फंदा फिर हम सीधा बनाएंगे, अगेन ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे, और 3 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। और उसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे को हमें इस तरह से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है, अब हम अगेन रिपीट स्टार्ट करेंगे। शुरुआत के पहले फंदे को छोड़ करके हमें यहाँ से रिपीट स्टार्ट करना होगा। तो अगेन 2 फंदे को हम पीछे की तरफ से फिर घटाएंगे, उसके बाद 3 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, 2 और 3। ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे, और 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे, अगेन ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे, और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 और 3। उसके बाद हमें नेक्स्ट 2 फंदे को सीधे बुनते हुए घटा लेना होगा, और सेकेंड टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। और इसी तरह से हमें रो 5 के एंड तक रिपीट करना होगा, लास्ट के 1 फंदे बचने तक। और अब हम रो 5 के एंड में आ चुके हैं, और लास्ट में बचे हुए इस फंदे को हमें सीधे ही बना लेना होगा। और रो 5 कंप्लीट हो चुका है। रो 5 बुन लेने के बाद अब हम रॉन्ग साइड रो 6 में आ चुके हैं, और रो 6 में अब हमें सभी फंदे को उल्टे ही बनाना होगा, या आगे रो 8 और 10 में हमें सभी फंदे को इसी तरह से उल्टे बनाते हुए रॉन्ग साइड को कम्प्लीट करना होगा। रो 6 बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 7 में आ चुके हैं, रो 7 और 9 को हमें रो 5 के जैसे बुनते हुए कंप्लीट करना होगा, और रॉन्ग साइड रो 8 और 10 को हमें उल्टे बनाते हुए रो 10 तक बुन करके हम कंप्लीट कर लेंगे।
और रो 1 to 10 बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और इसे कंटिन्यू बनाने के लिए हमें फिर से रो 1 to 10 अगेन एंड अगेन रिपीट करना होगा। और ये डिज़ाइन इसी तरह से आगे बनते जाएगा। आप देख सकते हैं, आप इसे एक या एक से ज़्यादा कलर में भी बुन सकते हैं। ये मल्टी कलर में भी बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है।